बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। बड़ा सिंपल स्टेप था, हमने आपको समझाया था कि पहले dy / dx निकालो, वो प्रवणता होती है किसकी, स्पर्श रेखा की। फिर जो बिंदु दिया है उस बिंदु पर dy / dx का मान निकालो, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकल आएगी, क्योंकि वक्र पर तो करोड़ों बिंदु हैं। किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की आप बात कर रहे हो, वो बिंदु उस पर रख दो। तो पहले हम dy / dx से निकालें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पे तो काम कर रहे हो, यानी जो आपने सीखा है उसका उपयोग क्या है। डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, 2x माइनस इसका 2y इसका डिवाइड बाय x डिवाइड बाय dx साथ में आएगा, ये x के सापेक्ष कर रहा हो, बनता कितना हो, तो माइनस 2y / b² * dy / dx माइनस 2x / माइनस से माइनस कैंसिल, dy / dx = 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ये निकाल। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर, एट एक्स जीरो कॉमा पर। ये एक तरीका होता है, एट मतलब इस बिंदु पर क्या करें, एक्स की जगह एक्स जीरो, वाई की जगह वाई जीरो, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण वो तो ये था y माइनस y0 बराबर dy / dx एट x0 y0, ये था ना, इंटू x माइनस, कहाँ से आया ये y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, बिंदु x1 y1 तथा प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण ध्यान आया, मैंने कहा था सरल रेखा पढ़ के आना, जिस चैप्टर को एक दिन पहले बताया पढ़ के आना, सीरियसली उस चैप्टर को आप पढ़ के आइए, आपको सब समझ में आए, क्योंकि अब यहाँ ग्यारहवीं क्लास अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बारहवीं कब पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक बार बता सकता हूँ हल्का फुल्का। तो वाई माइनस वाई जीरो बराबर इसका मान निकल आया कितना, माइनस गायब हो गया क्या, हाँ गायब हो गया था, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू एक्स जीरो बटा वाई जीरो इंटू एक्स माइनस। अब थोड़ा सा इसको इधर उधर सिंप्लीफाई कर लो, बस और क्या कर लो सिंप्लीफाई, ये कितना आ जाएगा वाई वाई जीरो माइनस वाई जीरो स्क्वायर, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स एक्स जीरो माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स जीरो वाले एक तरफ ले लो, बाकी एक तरफ ले लो, तो वाई ऐसा करो इसको गुणा करके इधर ले आओ, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर, कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये इसको गुणा करेगा माइनस का, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ क्या बचा एक्स एक्स जीरो इंटू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसको गुणा करा ये इधर आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है, और क्या रह गया, और यहाँ पर पहले से कौन था माइनस वाई जीरो स्क्वायर, यहाँ पहले से, ठीक है। पूरे समीकरण को ऐसा करते हैं बी स्क्वायर से भाग कर लें पूरे समीकरण, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस वाई जीरो बटे बी स्क्वायर प्लस एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर बराबर एक्स एक्स जीरो बी स्क्वायर, तो गायब हो जाएगा माइनस वाई वाई जीरो, किसी को समझ में ना आया होगा लिख लो बी स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको थोड़ा समान दे, एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो बटे, क्योंकि समीकरण एक लिख दो, क्योंकि बिंदु कौन सा एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो अति परवलय पर स्थित है, क्योंकि अति परवलय पर स्थित किसी बिंदु पर ही तो स्पर्श रेखा निकाल रहे हो, तो बिंदु तो अति परवलय पर स्थित होगा ही,
और अगर ये बिंदु अति परवलय पर स्थित है तो इस बिंदु को अति परवलय में लगा दो, कितना आएगा एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो बटे बी स्क्वायर बराबर नहीं होगा सर। अगर बिंदु स्थित है तो बिंदु के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, बिंदु वक्र की वक्र के समीकरण ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो बटे बी स्क्वायर का मान कितना आ गया है रख सकते हैं, इसलिए समीकरण एक से समीकरण एक से यह मान रख दोगे एक बराबर एक्स एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो बटे बी स्क्वायर बराबर जी। अतः बिंदु एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि रेखा का समीकरण तो एक्स की घात वाई की घात एक होनी चाहिए, दोनों की घात को एक ही, स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स एक्स जीरो बटे ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बटे बी स्क्वायर बराबर क्यों कराया मैंने सवाल, बिंदु एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो और कोई वक्र दे रखता हो दुनिया का कोई भी वक्र ऐसा नहीं वक्र, उस पर अगर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो याद रखो एक्स स्क्वायर को बदल दोगे एक्स एक्स जीरो से, वाई स्क्वायर को बदल दोगे वाई वाई जीरो से, एक्स को बदल दोगे एक्स प्लस एक्स जीरो पॉइंट टू से और वाई को बदल दोगे वाई प्लस वाई जीरो पॉइंट टू से, ये शॉर्टकट ऐसा सवाल में कंपटीशन में आता है, कोई बिंदु दिया होता है कोई वक्र दिया होता कहता समीकरण निकालो तो कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ये जो हम पूरा तामझाम कर रहे हैं कुछ नहीं जरूरत, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स गुणा जो भी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई गुणा कोई कोऑर्डिनेट है, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एक्स जीरो बटे दो से, वाई को रिप्लेस कर दो वाई गुणा, अब चाहे कैसा भी समीकरण देता है एक्स वाई, क्लियर हो गया, ये एक सामान्य एक सवाल से आपके पता नहीं कितने सवाल हल हो गए ठीक। अब हमें निकालना है अविलंब का समय, क्या निकालना है किस बिंदु पर, इसी बिंदु पर निकालना है, तो पहले समीकरण निकालने के लिए अविलंब की प्रवणता निकाल लो, और हम जानते हैं अविलंब की प्रवणता कितनी होती है, अविलंब की प्रवणता होती है माइनस एक बटे स्पर्श रेखा की, ये सामान्य सूत्र है जो बच्चे पिछली बार आए थे तो हमने ये भी बता दिया था कि ये कहाँ से, क्योंकि दोनों लंब होते हैं एक दूसरे पर तो इनकी प्रवणता का गुणनफल माइनस एक होता है, एक की पता है दूसरे की माइनस एक बटे करके निकला, तो माइनस एक बटे इतना था भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स जीरो वाई जीरो कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू वाई जीरो, अब निकाल, अब तो सिंपल किसकी निकालनी है हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण तो एक तो हम मानते हैं जानते हैं ना y माइनस वाई वन बराबर एम गुणा एक्स माइनस एक्स वन, ये किसी ऐसी रेखा का समीकरण होता है जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है और उसकी प्रवणता कितनी होती है एम होती है, ऐसी रेखा का समीकरण जो एक बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है और इसकी प्रवणता जो है वो कितनी है एम, इसका समीकरण ये आता है y माइनस y1, दुनिया किसी भी रेखा का समीकरण निकाल उस पर स्थित बिंदु पता होना चाहिए और एक उसकी प्रवणता पता होना चाहिए, तो अभिलंब तो एक सरल रेखा ही है, प्रवणता हमें पता लग गई इसकी, और बिंदु कौन सा है जिस पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है ना बता पा रहे हैं, बिंदु एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर किसका समीकरण निकालना है हमें अभिलंब का समीकरण, y का y माइनस वाई वन की जगह वाई जीरो और m की जगह कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई जीरो एक्स जीरो वहाँ एक्स माइनस ये सब गुणा भाग कर डाल y माइनस वाई जीरो एक्स जीरो बी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई जीरो देखते रहना कहीं कोई जीरो एक्स इधर उधर ना हो जाए, हमारी जिम्मेदारी है हाँ गुणा करो एक्स जीरो वाई बी स्क्वायर माइनस एक्स जीरो वाई जीरो बी स्क्वायर बराबर
ठीक है। तो यहाँ तो कोई सिस्टम एक्स जीरो स्क्वायर भी नहीं बन रहा कहीं पे और वाई जीरो स्क्वायर भी नहीं बन रहा। पहले एक्स लिख दो फिर वाई लिख दो फिर कॉन्स्टेंट तो लिख दो, तो आ जाएगा ये एक्स, एक्स कहाँ है ये इसको इधर ले कितना आएगा ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स, फिर वाई लिखो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई बराबर कौन कौन बचा ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स जीरो के ऊपर चला गया और ये माइनस से इधर आकर प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो। पूरे समीकरण को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से काट दो, ये कितना आ गया वाई जीरो बटे बी स्क्वायर, तो लिख दो अब लिखने की जरूरत नहीं है तो आप समझदार पहले भी थे थोड़ी ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा उतना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि एक पैटर्न आपको याद रखना है। पैटर्न क्या याद रखना है कि कंपटीशन में अगर कोई सवाल या ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि अगर हमें x0 y0 का अभिलंब का समीकरण निकालना है तो क्या आ रहा है देखो x बटे x0 इंटू वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस y बटे y0 इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर, कोएफिशिएंट बदल गए है ना बराबर एक बटे बी स्क्वायर, वो आप अपने दिमाग में सेट करो जो भी पैटर्न सेट। आगे पंद्रहवा सवाल देखो, पंद्रहवें सवाल में कह रहे हैं ये कि वक्र का समीकरण आपके पास है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस सात कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या था, यानी इस वक्र पे कहीं ना कहीं कोई स्पर्श रेखा है जो पहले पार्ट में कह रहा है जो इसके समानता है। पहले पार्ट में कहा है इसने स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु के बारे में कोई बात नहीं करी है, स्पर्श रेखा इसके समानता है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समान, ठीक है। तो स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, हाँ पहले इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते, रेखा की प्रवणता वो भी कौन सी रेखा दी गई रेखा कितनी आ गई, किसी भी साधारण समीकरण से अगर हम इस रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो वो आता है माइनस एक्स का गुणांक बटे डायरेक्ट माइनस एक्स का भाग माइनस दो बटे माइनस एक, ठीक है। अब इस पर रेखा की जो प्रवणता होगी वो इसकी प्रवणता के, क्यों क्योंकि रेखा है समांतर, और इस पर रेखा की प्रवणता माइनस एक बटे होगी अगर रेखाएं पहले तो हमसे पूछा गया उसमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो बराबर होगी दी गई रेखा की प्रवणता, दो हो गई स्पर्श रेखा। अब क्या निकालना रह गया, जब तक बिंदु नहीं होगा तब तक समीकरण कैसे निकल जाएगा, अब हमारा टारगेट है बिंदु निकालना।
ठीक है। तो वक्र का समीकरण निकाल लेते हैं। वक्र क्या दे रखा था हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो एक्स माइनस, ठीक है। ये पता नहीं कौन से बिंदु पे होगा, तो मान लो माना स्पर्श बिंदु एक्स जीरो कॉमा वाई। इतना ज्ञान तो रखना पड़ेगा कि स्पर्श बिंदु है तो वो वक्र पे स्थित होगा, और उस पर जो प्रवणता आएगी वो किसकी प्रवणता आएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी। अगर डी वाई अपन डी एक्स मान लेते तो डी वाई बटे डी एक्स पर मान आप निकाल लीजिए एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर, दो एक्स जीरो माइनस, ठीक है। और ये प्रवणता कौन सी प्रवणता के बराबर होगी, इस पर जगह की प्रवणता दो लिखी थी क्योंकि दोनों आपस में समांतर, तो यहां से आ गया क्योंकि दी गई रेखा जो है वो समांतर है किसके, स्पर्श रेखा। यहां से क्लियर हो, दो एक्स जीरो माइनस दो बराबर। अब यहां पर हाई स्कूल की तरह पूरा तो भाई बड़ा मुश्किल है, ये उसको सजाते रहो, समीकरण एक समीकरण दो रेखाएं समांतर है प्रवणताएं बराबर होंगी, अतः हम दोनों प्रवणताओं को बराबर ले रहे हैं, अतः हम लिख रहे हैं, ठीक है। इतना थोड़ा इशारों में काम चल जाता है, दो एक्स जीरो बराबर दो जीरो, मैं फिर भी बहुत लिखवा देता हूँ, एक्स जीरो बराबर लिखता है। जब एक्स जीरो पता लग गया तो वाई जीरो भी पता लग जाएगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा, इस समीकरण में रख दो, क्योंकि बिंदु जो है कौन सा बिंदु, एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो कहाँ स्थित होगा, वक्र पर स्थित होगा। जब वक्र पर स्थित होगा तो ये बात भी लिखने की जरूरत है, संतुष्ट करेगा, समझ लो कोई, है ना। एक्स जीरो स्क्वायर माइनस दो एक्स जीरो प्लस सात, एक्स जीरो का मान तो दो दे रखा है, चार माइनस चार प्लस सात कितना आ गया, सात, इसका मान आ गया। तो स्पर्श बिंदु निकल आया आपके पास, स्पर्श बिंदु आपके पास आ गया दो कॉमा, डायरेक्ट लिख दो स्पर्श रेखा के समीकरण, तो स्पर्श रेखा के समीकरण आएगी वो आ जाएगा वाई माइनस सात बराबर दो गुणा एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा दो एक्स माइनस वाई, तो दो एक्स माइनस वाई और माइनस चार प्लस सात प्लस तीन, गुणा कर लो, दो दूनी चार माइनस का सात माइनस का आगे प्लस हो जाएगा, सात में चार घटा होती। अगर लंबवत कहेगा तो बस ये जो आपने प्रवणता निकाली है रेखा के समीकरण की, उसे माइनस वन अपॉन करके स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल दोगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के स्पर्श बिंदु मानोगे, स्पर्श बिंदु रख के दोनों को जैसे बराबर लोगे एक्स जीरो का मान आ जाएगा, फिर वक्र में वो बिंदु स्थित करोगे वाई जीरो का मान आ जाएगा, स्पर्श बिंदु मिल जाएगा, सेम प्रक्रिया अपना के करते।